तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। और सर्दी का मौसम शुरू हो चला है और हम लोग अभी रेस्क्यू करने के लिए आ गए हैं फिर से एक बार धवौली गांव में। और रेस्क्यू करने के लिए एक भाई बुलाए हैं। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल स्नेक सेवर जेपी यादव में। दोस्तों, इस रेस्क्यू को देखने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में अपना अनुभव बतावे। देखिए दोस्तों, अभी हमको अभी जो बुलाए हैं वो भाई है, यही फोन किए आप फोन किए थे? हाँ। क्या नाम हुआ? रामेश्वर राय जी फोन किए थे धवौली गांव से। चलिए बताइए किधर देखे हैं साहब? दिखाइए साहब, दिखाइए। भूसला के तर में है राम श्लोक जी, भूसकार के तर में है। ये देखना होगा कि कौन सा सांप है, क्योंकि भूसकार के तर में बताया जाता है। गढ़वा में देखना होगा कि कौन सा सांप है, बेनेवस सांप है या नॉन बेनेवस सांप है, क्योंकि काफी कंजेस्टेड एरिया है। ये हमें देखना होगा। काफी अंदर है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ है। उसी कमरा में है। सर्दी बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए सांप को बचाना जरूरी है। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए सांपों को रहना बहुत ही आवश्यक है। हम चाहते हैं कि किसी तरह इस सांप का जान बचाया जाए। देखना होगा कि आखिर सांप है कि घर शांति बड़का का मूसा कूद लगे इस तरह से भूत शौल को हटा दिया गया है। काफी जलावन से भरा हुआ है शौल का। देखना होगा, धीरे धीरे इसको साइड करना होगा। इटटियाबा अरे कौन ऐसी कर रही हटा दिया गया है। इटटियाबा को नोचे ना दनिया कर हटाइए। इटटियाबा को नोचवा दीजिए, ये जरूरी है। कौन बोलेंगे? भूसकार हटा दिए तो नहीं बोले, टाटी हटावे ला बोलेंगे। साफ उनके घर कैमरा में पानी तो उन्हें जा रहा है। अच्छा, बंद कर दे। पानी में हलचल शुरू हो गया है। देखते हैं सांप कई मिनट में बाहर आ जाता है, क्योंकि सांप काफी बिल के अंदर है। पानी डाल दल थी पहले ही सूख लेंगे। मतलब हमरा सिखबो है दुनू आदमी मिलकर ना कहा थी बोलू से बारी हम डाल दल सुखले में की चल गए तो दिखाई देकर गायब हो गया। बियर बंद हो गया, पानी में कमी न कर। पानी उसमें डालते रहिए, पानी डालते रहिए, वर्क शुरू है, पानी डालते रहिए। लगता है कि सांप को मिलना मुश्किल है, चूंकि इतना कंजेस्टेड एरिया है कि शायद ये सांप नहीं मिल पाएगा। चूंकि इतना न मूसा का चाला हुआ बिल है कि लगता है कि ये सांप नहीं मिलेगा, अब मिलना मुश्किल लग रहा है। और लेकिन जेपी यादव जी बिल्कुल कोशिश में लगे हुए हैं कि खोजे। क्या हुआ? आ गया। अरे देखिए सांप धरा गया। चलिए, ये बड़ी विकराल सांप है वो। चलिए अब रेस्क्यू अब पूरा कर लिया गया है। देखिए अभी जेपी यादव के मेहनत, इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद जो है सांप मिल गया है। और
सांप को जेपी यादव जी ने रेस्क्यू कर अभी हाथ में पकड़ लिए हैं, लेकिन पूर्णतः अभी पकड़ाया नहीं है क्योंकि काफी कंजेस्टेड एरिया है, काफी जलावन रखा हुआ है। आराम से खोचा जाएगा। अरे वाह, चीखिए विकराल सांप, इतना बढ़िया, इतना भयंकर, इतना मोटा, खाया पिया परिवार से ये सांप लग रहा है, काफी मोटा, काफी तगड़ा है। इतना कंजेस्टेड एरिया में है, आना होता है। देखिए देखिए, पानी से गंदा हो चुका है, इसको थोड़ा नहलाना पड़ेगा। पानी दीजिए, पानी लाइए एक बार, इसको नहलाना पड़ेगा क्योंकि ये काफी मिट्टी लग गया है। अरे लोगों की भीड़ उमर पड़ी है, कीचड़ है लगल तो थोड़ा, लोगों की भीड़ उमर पड़ी है देखने के लिए, काफी लोग जो है भीड़ लगाए हुए हैं। देखिए इसको नहलाया जा रहा है इसलिए कि काफी इसके शरीर में मिट्टी लग गया है, इसलिए नहला दिया जाता है। बता देते हैं सांप जो है ना दुनिया का सबसे सीधा साधा सांप है, इसके पास जोहर नहीं होता है, आई काटता नहीं भाई, जब गुस्सा में काट भी लेगा तो आपको कुछ नहीं होगा। जैसे आप लोग कहते हैं कि लंगड़ी से मारता है, पूछ से, तो देखिए कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, धामिन, इसको अंग्रेजी में रेड स्नेक कहते हैं, देहाती में धामिन, कहीं कहीं घोर पछाड़ भी कहा जाता है और कहीं कहीं राजधानी एक्सप्रेस भी। आइए किसी आदमी को टच करना है, हटाइए आइए, डर खत्म कीजिए, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, कुछ आराम से चाप के नहीं, चाप से नहीं, प्यार से पकड़े, बढ़ रहा तो फिर आगे हाथ कीजिए, बढ़ेगा तो फिर आगे हाथ कीजिए, डर नहीं है, ज्यादा जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो काटना देखा जाए, ज्यादा मतलब खेलने में ना करने का चीज नहीं, इसको पकड़ने का तरीका होता है, जिसको प्यार से पकड़ेंगे आराम से देखिए रहेगा आराम से, और थोड़ा क्रॉस के दबा लेंगे, गर्दन खिला लेंगे, कैमरे न चलाए, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा भाई, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, जो पूरा गुस्सा में आता है तभी काटता है, जिसको दबाव होगा चोट लगेगा तब वो अभी बहुत कम काटता है। झोला लाइए हो, चलिए इंतजार की घड़ी खत्म होते हुए अब हम इसको चाहेंगे कि जेपी यादव जी इसे पैक करें, और पैक करने के लिए झोला भी आ चुका है, और अब हम इसको पैक करके ले चलेंगे, इसकी अपनी दुनिया में छोड़ देंगे, क्योंकि पर्यावरण को संरक्षित रहने के लिए सांप को रहना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग कहीं भी सांप को देखें तो मारे नहीं, हमारे स्नेक सेवर जेपी यादव जी को कॉल करें और सांप को यानी बेजुबानों का जान बचाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।